नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षा प्रवाह में। बेटा तो इस वीडियो में आप लोग देख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर सब्जेक्ट कोड 184 की मॉर्निंग शिफ्ट क्लास 10th की आंसर की 80 नंबर का। बेटा आप लोगों का आज इंग्लिश का पेपर था, 3 घंटे का टाइम आपको दिया गया था। तो आपकी स्क्रीन पर आपका सेक्शन ए रीडिंग जो कि 20 मार्क्स था, वहाँ के आंसर आपको शो हो रहे हैं। क्वेश्चन पेपर साथ में रखेंगे, टिक लगाते चलेंगे, अपने आंसर्स का मिलान आप लोग यहाँ पर कर लेंगे। शिक्षा प्रवाह पर बेटा आप पहली बार आए हैं, आपने शिक्षा प्रवाह को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शिक्षा प्रवाह को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप अपने बाकी सब्जेक्ट की मार्किंग स्कीम, आंसर की, मॉडल टेस्ट पेपर, CBSE पेपर, बाकी रिजल्ट्स की अपडेट आपको यहाँ पर ईजिली मिल जाएंगी। बेटा ये जो पेपर का जो मार्किंग स्कीम आती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। एक तरह से पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर हम लोगों को दिया गया होता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि हमें किस तरह से हम लोग अपने आंसर्स को लिखें जिससे कि पूरे मार्क्स हम लोग अचीव कर सकें। आप जैसे इन लोगों ने बताया कि लेटर राइटिंग में फॉर्मेट आपका 1 नंबर का होगा, कंटेंट 2 नंबर का होगा, एक्सप्रेशंस आपके 2 नंबर के होंगे। तो एक तरह से इन्होंने हर चीज़ को ऐसे ना डिवाइड किया हुआ है। जैसे आप पैराग्राफ ही आप देख रहे हैं तो कंटेंट 3 नंबर का है और एक्सप्रेशंस आपके 2 नंबर के हैं। क्वेश्चन का आंसर आपको लगभग कितने वर्ड्स में देना है उसका भी आपको आइडिया इस मार्किंग स्कीम से लग जाता है, और पैराग्राफ के तो डायरेक्ट आंसर आपको मिल ही जा रहे हैं। सेक्शन सी लिटरेचर आपका 40 मार्क्स का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसी के साथ बेटा मैं जल्दी ही एक टेलीग्राम चैनल भी बनाने वाली हूँ, जिसमें कि मैं आप लोगों को इन मार्किंग स्कीम के PDF इजीली अवेलेबल करा दूँगी। आप लोगों का ही सुझाव है ऐसा, तो इस पर काम शुरू कर देते हैं। आप चाहें तो फिर PDF के बाद उसका प्रिंट भी निकाल सकते हो। तो बेटा ये थी आपके आंसर की, आशा करती हूँ आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी ये। इसी के साथ बेटा आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है।